Hey guys, welcome back to Gypsy Java। तो क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा होगा। तो आज हमारे जावा का जो है तेल खत्म हो चुका है, तो हमने सोचा क्यों ना एक एवरेज टेस्ट कर लिया। गाड़ी जो है हमारे बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही, अभी चेक कर लेते हैं। और एक लीटर पेट्रोल भी अभी हम ले आए हैं, उसे डालेंगे और हाईवे पे रामनगर रोड पे इसको चला के देखेंगे कि कितने किलोमीटर ये हमको सर्व करती है। एक लीटर की बोतल हम साथ में भी रख लेंगे ताकि रास्ते में कोई अनहोनी ना हो जाए और ये 200 किलो की बाइक हमें खींचनी पड़ जाए। इस गाड़ी में तेल जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल एम्प्टी टैंक है, नथिंग। ज्यादा सेल्फी लेंगे, कभी बैटरी में कोई दिक्कत आ गई तो आगे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ये एक लीटर तेल अब इस गाड़ी में हम डालेंगे और चेक करेंगे कितने किलोमीटर सवारी। एक बार ओडोमीटर चेक कर लेते हैं कितने किलोमीटर हमारी रीडिंग है। फोर थ्री सिक्स जीरो पॉइंट वन मीटर जो है वो बिल्कुल भी नहीं उठा है, लाइट अभी भी ब्लिंक कर रही है। हम गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। गाड़ी स्टार्ट हम आ चुके हैं शहर से बाहर रामनगर रोड पे और गाड़ी हमारी चल चुकी है 4367। लीटर पेट्रोल ले लिया है हमने और बांध रहे हैं बाइक के पीछे ताकि जहां भी हमारी सवारी रुकेगी वहीं हम इसमें एक लीटर तेल डालेंगे और शुरू कर देंगे। बाइक अब पूरी मिसिंग मारने लगी है और स्टार्ट नहीं हो रही है, एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। मारो सेल्फ, तो फिर देखते हैं कहाँ तक लेके जाती है हमें। लो तो भाई रामनगर में तो हम एंटर हो चुके हैं, इसका मतलब है कि एक लीटर तेल में जावा से आप काशीपुर से रामनगर तक पहुंच ही सकते हो। आप देख ही सकते हो पूरी मिसिंग मान लीजिए और नो रिस्पॉन्स। एक बार फिर से स्टार्ट करके देखते हैं। हमें कि इससे और ज़्यादा राइड करना चाहिए, इससे फ्यूल इंजेक्टर भी ख़राब हो सकता है। तो रीडिंग हो चुकी है हमारी 4389.7। जो पेट्रोल हमने पेट्रोल पंप से लिया था एक लीटर एक्स्ट्रा इस मोमेंट के लिए, तो अब डाल लेते हैं फटाफट एक लीटर और करते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू। ये पेट्रोल जो है ये है स्पीड और जो इससे पहले था वो नॉर्मल था, पर अब हम रीडिंग नहीं लेंगे क्योंकि फिर से हम एक एक लीटर पेट्रोल बोतल में रख के तो घूम नहीं पाएंगे।
और फ्यूल इंजेक्शन होने की वजह से गाइस बाइक में जो है बहुत ज़्यादा मिसिंग मारने लगती है, क्योंकि कंपनी आपको बताती है कि आपको कम से कम 3 लीटर तेल इसमें रखना है। अगर आप इसमें 3 लीटर तेल नहीं रखते हैं तो फ्यूल इंजेक्शन ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक दो बार में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका तेल ख़त्म हो जाता है तो। बाकी इसमें हम अभी और तेल पड़वा लेंगे ताकि हमें मिसिंग वाली दिक्कत ना आए। इसलिए तो थे हम जावा का माइलेज टेस्ट करने की, जो पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है जावा क्या एवरेज दे रही है। ये भाई अभी बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करके जा रहे हैं, बढ़िया एकदम। तो बर्थडे तो इनको विश कर दिया है, लेकिन अपनी गाड़ी का एवरेज जो आया गाइस वो आया 29 किलोमीटर पर लीटर ऑन हाईवे। कंपनी के बताए हुए माइलेज से ये काफ़ी कम है और मुझे एक्सपेक्टेड था 35 to 37, 39 अराउंड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। लेकिन राइड ने काफ़ी अच्छा मज़ा कर दिया है एकदम। एकदम स्मूथ, पानी पानी हो चुका है, शूज पानी पानी हो चुके हैं, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई, बट थोड़ा बहुत तो हिला है, रेंडर होती तो बह जाती। लेट्स गो, साफ कतई साफ पानी, काफी ठंडा। ये हमारा स्टॉप, ये हमारा, ये तो गाइज ये ट्रिप तो हो चुका है काफ़ी एडवेंचरस। भंडारी जी पहुँच चुके हैं बहुत दूर फन करने, मैं भी जा रहा हूँ उनके पीछे पीछे। काफ़ी कठिन रास्ता, मैन वर्सेस वाइल्ड वाला सिस्टम हो चुका है एकदम। तो गाइस इस पेड़ पे आना था हमको, लेकिन ऊपर से हमको रास्ता मिला नहीं, तो हमने रास्ता खुद ही ढूंढ लिया। फ्लो अगर हमको हल्का सा भी बढ़ते हुए दिखा तो हम एकदम रफा दफा हो लेंगे। गाइस काई हो रही है, काई राम से। काफ़ी अच्छा मौसम और काफ़ी अच्छा दिन हमारे शहर में। तो मैंने फ़ोन करके पूछा तो काफ़ी धूप वगैरह निकली हुई है, अब धूप कैसी होती है तो काजीपुर जाके पता चलेगा। फिलहाल ये है भकराकोट बस स्टॉप, जिला अल्मोड़ा। अच्छा, जिला अल्मोड़ा में आ चुके हैं हम, तो वेलकम टू जिला अल्मोड़ा। चुके हैं घर और बाइक चल चुकी है 4474.8 किलोमीटर। नाइस, काफ़ी अच्छा दिन। फटाफट अप कर देते हैं बाइक को अंदर।